क्या आपने कभी व्रत लिया है? क्या आप फास्टिंग से घबराते हैं? क्या आप भी समझते हैं व्रत लेना सिर्फ एक अंधविश्वास है? अगर मैं आपसे कहूं व्रत लेना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, इससे आप सेल्यूलर लेवल पर रिन्यू होते हैं और व्रत लेने से आपकी बॉडी के कैंसरस सेल्स भी मरते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित डियोंडी और सनातन सोच के इस वीडियो में आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं व्रत लेना या कहिए फास्टिंग एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जो आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सनातन धर्म में व्रत लेने की प्रैक्टिस हजारों सालों से फॉलो हो रही है। अब वो एक महीने में दो बार एकादशी के व्रत हों या जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, नवरात्रि के व्रत हों, सभी का एक रिलीजियस एंगल तो है ही, पर साथ ही व्रत का हमारी बॉडी साइंस से भी गहरा नाता है। इन खास उत्सवों पर व्रत इसीलिए भी लिया जाता है ताकि आपकी साधना, भक्ति, पूजा में इन्वॉल्वमेंट 100% हो, आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी उस काम में लगे, ना कि पेट में मौजूद खाना पचाने में। ये त्योहार जिनका कॉस्मिक कनेक्शन होता है हमारे लिए हर लेवल पर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, और ऐसी प्यूरिफिकेशन के लिए हमारा पेट का खाली होना अति आवश्यक है, वरना आलस हम पर हावी हो जाता है। सनातन में व्रत लेना धर्म है। जी हाँ, वो धर्म जो आपके जीवन को बेहतर बनाता है। लेकिन वक्त के साथ इस धर्म को, यानी व्रत लेने वाले धर्म को समझने में थोड़ी चूक हो गई और हम इसकी साइंस को भूल गए। तभी तो व्रत वाले दिन हम उल्टा और ज्यादा व्रत वाला खाना खा लेते हैं। दोस्तों, एक बात समझनी होगी कि व्रत का मतलब ही होता है पेट को खाली रखना, ताकि हम फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर बेटर महसूस कर सकें। और ये बात तो साइंस ने भी मान लिया है, तभी तो आजकल फूड कोचेस, डाइटिशियंस इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं। दरअसल इसकी हवा तब चली जब 2016 में जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओशुमी को मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला। उनकी रिसर्च में यह साबित हुआ कि कैसे फास्टिंग एक्टिवेट करती है ऑटोफेजी को, यानी वो प्रोसेस जिसमें सेल्स रिसाइकल और रिन्यू होते हैं। जी हाँ, शरीर के डेड या डैमेज्ड सेल्स से नए सेल्स बन जाते हैं, तो आप कह सकते हैं आप अपना नया शरीर बनाते हैं। इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं। और तो और, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों पर भी इस प्रोसेस का पॉजिटिव असर होता है। दोस्तों, यही चीज हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले समझ ली थी। व्रत लेने के शरीर पर डायरेक्ट फायदे उन्होंने अपनी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, अवेयरनेस से पता लगा लिए थे, तभी इस प्रैक्टिस को वो आम इंसान की लाइफ में लेकर आए, ताकि हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बेटर ह्यूमन बन सकें। दोस्तों, जब भी हम योग, ध्यान, साधना करते हैं तो वो एम्प्टी स्टमक कंडीशन में करते हैं, यानी खाली पेट रहकर करते हैं। इससे हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है जो लोग रेगुलरली ध्यान, मेडिटेशन, साधना करते हैं, उन्हें भूख अपने आप कम लगती है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त एम्प्टी स्टमक रहते हैं, और इससे उनकी बॉडी पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट रहना और हंगर यानी भूखे रहना, इन दोनों में अंतर है। हंगर में एनर्जी लेवल्स नीचे जाने लगते हैं, लेकिन एम्प्टी स्टमक कंडीशन में आपकी बॉडी और ब्रेन फुल पोटेंशियल में काम करते हैं। आप कोशिश कीजिए कुछ भी खाएं वो 2 से 2.5 घंटे में पच जाए, जिससे सेल्यूलर लेवल पर आपकी बॉडी अपने आप को हील करने का प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू कर सके। बार बार मंचिंग करने की आदत से हमको बचना चाहिए और बच्चों को भी ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए। 2 मील के बीच में 8 घंटे का अंतर रखेंगे तो कुछ ही महीनों में आप अपनी बॉडी में फर्क महसूस कर सकते हैं। हर दिन थोड़ी देर के लिए ही सही योग कीजिए, इससे आपके शरीर को फास्टिंग करने की ताकत मिलेगी। हर 15 दिन में एक बार फास्ट कीजिए और देखिए आपके एनर्जी लेवल्स में कितना फर्क पड़ेगा। और व्रत लेने का रीजन समझिए, बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर प्यूरिफिकेशन करने का मौका दीजिए। दोस्तों, व्रत के नाम पर कुट्टू के आटे की पूड़ियां, साबूदाने की खिचड़ी, फ्रूट चाट खाना बंद कीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए। और यही तो सनातन धर्म की सीख है, हर दिन, हर पल खुद को अपग्रेड करते रहना। और दोस्तों, इसीलिए हमें लगता है वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा भूत है और यही भविष्य। प्रणाम दोस्तों। सनातन सोच चैनल के माध्यम से हम आप तक बस यही पहुंचाना चाहते हैं कि जो सनातन संस्कृति की प्रैक्टिसेस हैं उनके पीछे क्या साइंस है, वो क्यों फॉलो की जा रही है हजारों सालों से। अगर आपको भी लगता है आपकी नज़र में भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी हमारी संस्कृति की कुछ ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं किसी गलत तरीके से लोगों के सामने पहुँच चुकी है और लोग उस गलत धारणा को लेकर बैठे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और हमसे शेयर कीजिए। हम उस पर प्रॉपर रिसर्च करके एक वीडियो बनाएंगे ताकि सबको पता चले। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा मैं बोलता हूँ वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा भूत रहा है और यही हमारा भविष्य है। और हमें एक और बात लगती है कि देखिए, धर्म कोई भी हो,
लेकिन अगर हमारी सोच सनातन रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, भविष्य भी। प्रणाम।